मेरा नाम सीरत रियाज है, मैं शोपियान से हूँ। 12th क्लास की कोचिंग के लिए मैं यहाँ आई हूँ। सर मेरा नाम वासी जोहर है और मैं पुलवामा से हूँ और मैं यहाँ पे अपने ड्रीम स्कूल करना चाहता हूँ। माई नेम इज़ फोजिया, आई एम फ्रॉम न्यू कोट कॉलोनी, आई एम स्टडिंग हियर इन रीडिंग रूम क्लासेस इन क्लास 12th। मैंने ये सोचकर यहाँ आई थी कि यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने सुना था कि यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वेल क्वालिफाइड टीचर्स भी हैं, तो मैं इसलिए यहाँ पे आई। सर हम यहाँ पे JKSSB की कोचिंग के लिए यहाँ पे आए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आए हैं कि ताकि हम उनको क्रैक कर सकें। द रीज़न बिहाइंड दैट व्हाई आई केम हियर इज आई हैव सीन द मेनी कोचिंग सेंटर्स अराउंड, दे ओनली टॉक अबाउट द मनी, नथिंग, दे हैव नथिंग टू डू विद द करियर ऑफ द स्टूडेंट, whether they will read, whether they will join the class or not. Once they have paid their fee, later on their teachers are not responsible. Here I have seen, matlab from last 3 months I'm here in the institution, they our teachers have never talked about the fee, they always have talked about our career. Ji, wo bilkul madad karenge competitive exams ke liye, kyunki hum pe bahut zyada acche se padhate hain sir. सर पुलवामा मैंने इसलिए चूज़ किया ताकि हमारा टाइम बच सके, और रीडिंग रूम क्लास मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और यहाँ की जो फैकल्टी है वो आउटस्टैंडिंग है और लाजवाब, उनका कोई जवाब नहीं है। हियर द एनवायरनमेंट इज कॉम एंड द फैकल्टी व्हिच इज प्रेजेंट हियर दे कोऑपरेट विद अस एंड दे रिमेन पंक्चुअल एंड रेगुलर। क्योंकि हालात ख़राब होने की वजह से या रोज़ पहले लॉकडाउन हुआ करता था, मतलब लॉकडाउन होता था, तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि नहीं आप पुलवामा में कोचिंग करो, और हमने ये सुना था कि रीडिंग रूम क्लासेस हैं, मतलब यहाँ ये अच्छा कोचिंग सेंटर है यहाँ पे पुलवामा में, तो इसलिए मैं यहाँ आई और उन्होंने बोला कि श्रीनगर आप इस साल ना जाओ। सर यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ पे अगर चाहे हम ये जूनियर असिस्टेंट की बात करें, अगर उसमें इतना सिलेबस दिया गया, यहाँ पे कहते हैं नहीं हम उतना ही नहीं, हम उससे और पढ़ाएंगे ताकि कल आपको डिफिकल्टी ना हो मतलब किसी भी एग्ज़ाम में। मेरा ड्रीम, मेरा गोल सिर्फ नीट है, डॉक्टर है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर बनूँ, और यहाँ पे बहुत अच्छी फैकल्टी है, तो जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आगे होगा और इंशाल्लाह मैं यहाँ पे ही नीट करूँगी खुद। जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने फीस की कभी कोई बात नहीं सुनी, ना कभी सर ने कभी फीस की बात की है, यहाँ पे बस फोकस पढ़ाई पे होता है, ऑनली पढ़ाई, इसकी बहुत ज़रूरत रहती है। क्योंकि अगर हम देखें पुलवामा, शोपियान या इस्लामाबाद या यहाँ देखें नौगाम, तक कोई इंस्टीट्यूट नहीं है JKSSB का। अगर हम देखें नीट के लिए बच्चे मतलब हर जगह हर गली में आपको इंस्टीट्यूट मिलेंगे, लेकिन अगर ग्रेजुएशन के बाद बच्चा KS करना चाहता है या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता है तो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, श्रीनगर जाना पड़ता है। हमारे जो है रीडिंग रूम क्लास जहाँ पर हम पढ़ते हैं, तो सर ने कुछ सोचा है, अच्छा ही सोचा है कि बच्चों को उनका मतलब गोल मिले, वो फुलफिल कर सके आसानी से अपने गोल, और उनको श्रीनगर ना जाना पड़े। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, मेरा नाम ज़ुहूर अहमद सोफ़ी है, मैं रीडिंग रूम क्लासेस का कन्वीनर हूँ, ये डेलीपोरा पुलवामा में वाक़ा है। जो हमने यहाँ पर ये इनिशिएटिव लिया है, ये पिछले 2-3 सालों से हमने एक आइडिया बनाया था और इसका अब सामरी शीरीन यहाँ पर जमा हो गया है, तो पिछले तकरीबन 6 महीने से यहाँ पर कोचिंग चल रही है अहसन तरीके से, ऑफलाइन मोड पर ज़्यादा और ऑनलाइन मोड पर कम। साउथ कश्मीर और बिलखसूस पुलवामा के लोगों से हम पुरजोर गुजारिश करते हैं, मुअद्दबाना इल्तिमास करते हैं कि वो अपने बच्चों को उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए उनको यहाँ भेजें। यहाँ पर JKSSRB की कोचिंग चल रही है, यहाँ पर UPSC कोचिंग चल रही है, यहाँ पर JKPSC की कोचिंग चल रही है, यहाँ पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर सेमिनार्स होते हैं, डिबेट्स होते हैं, सिम्पोजियम होते हैं, ये सिलसिला चलता रहता है यहाँ पर। उसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पर एक और हमारा है, उसमें है 11th 12th, हमारा नीट है उसमें। यहाँ तो स्टूडेंट गिर्द नवा से आते हैं और दूर दराज इलाकों से भी आते हैं। बाद में आपको कहते जाऊँगा कि मैं एक नाम नहीं लूँगा, कुछ ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जहाँ पर मैं बोलूँगा एक हेफ्टी फीस लिया जाता है और लंपसम लिया जाता है यकमुश्त एक ही बार। हमने यहाँ पर उससे हटकर एक अलग तरीका अपनाया है, यहाँ पर मंथली हम फी इनसे लेते हैं और वो फीस भी एक नॉमिनल फीस होता है, और हमने उसमें एक प्रोविज़न रखा है, कुछ ऐसे हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनमें सलाहियत है कुछ कार दिखाने की, लेकिन फाइनेंशियली हम देखते हैं कि माली तौर पर इक्तिसादी तौर पर वो उस पोजीशन में नहीं है, स्टेबल इतने नहीं है। हमने उनके लिए भी यहाँ पर मतलब ये एक गुंजाइश रखी है, खा वो ऑर्फन हो, खा वो स्पेशली एबल्ड हो, खा वो किसी और चीज़ नागहानी आफत से मुतासर हुए हैं, उनके लिए हमने यहाँ पर प्रोविज़न रखे हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट होते रहते हैं या उनके लिए हम स्टडी मटेरियल भी यहाँ प्रोवाइड करते रहते हैं। मिशन ये है कि जो दूर दराज इलाकों के स्टूडेंट्स हैं जिनमें कुछ करने की सलाहियत है, अब वो एक वजह से या दूसरी वजह से
थोड़े से मुतासिर हुए हैं, हम उनको उस बंवर से बाहर निकालना चाहते हैं और हम उनको एक ट्रैक पर लाना चाहते हैं ताकि उनकी जो ज़िंदगी है, ताकि उनका जो कैरियर है वो सही रास्ते पर और सही नहज पर रवान दवा हो जाए और जिससे उनकी ज़िंदगी दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की के मनाजिल तय करे।